और ध्यान रखने की है, क्लास के बीच में कुछ भी परेशान मत होना, मैं आपके सारे समस्याएं डाउट जो है वो समझता हूँ, केवल आप लोगों को जो प्रश्न वगैरह कोई मन में आए ना उसको बचा के रख लेना, तब तक के लिए जब तक कि आपका प्रश्न मेरे द्वारा डील ना कर लिया जाए, सब कुछ हो जाएगा बेटा, है ना। चलो अब शुरू शुरू करते हैं, जहां जहां तक बातें करी हैं उससे आगे हम बात बढ़ाते हैं। देखो भाई क्या था, कल तक हमने बात करी थी इंडियन क्लाइमेट कैसा है, तो इंडियन क्लाइमेट के अंदर हमने कुछ जरूरी बातें की, इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप का क्लाइमेट क्यों है इसके बारे में कल हमने बात कर ली थी। मानसून टाइप का क्लाइमेट होने के पीछे रीजन बताया कि यहाँ पर रिवर्सल ऑफ एयर होने के कारण हम इसे मानसून टाइप का क्लाइमेट कहते हैं। आइए सर अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी विद्यार्थी है ऊपर निकल जाता है बेटा, कमेंट सबके ऊपर निकल जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी फिर से देखो बफर बफर लिख रहे हैं कुछ लोग, एक विद्यार्थी कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए, अरे मेरे बच्चे रुक जाएंगे बेटा, है ना। बच्चों आप हम सबसे पहला जो टाइटल लेके चल रहे हैं, कल मैंने आपसे कहा था कि आप ये सब पढ़ के आएंगे, मेरा निवेदन है कृपया करके बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करें, कमेंट ना करें, अदरवाइज मेरा लय टूट जाएगा और आपको मजा नहीं आएगा। सवाल बनता है पहला सवाल, भारत के क्लाइमेट को कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से भारत का क्लाइमेट जिसको हम मानसून टाइप का क्लाइमेट कह रहे हैं वो दिखाई देता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है लैटिट्यूड। अब सवाल बना सर ये लैटिट्यूड क्या होता है, मैंने आपको तरीका बताया था वेरी फर्स्ट जो अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर था उसमें, कि बस इतना याद कर लो कि जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड है, जो लंबी लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है। मेरे प्यारे बच्चों लेटी हुई लाइन तो ये हो गई लैटिट्यूड, ठीक है बेटा, लेटी हुई लाइन हमारी क्या बन गई लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड वाले कारक कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो हमको ये याद करना है लैटिट्यूड कौन से राज्य से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहीं से शुरू होकर के आपका इधर से होता हुआ निकलता हुआ जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं यहाँ पर एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूँ, अगर आप इस मैप को ध्यान से देख रहे हैं, लीजिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब देखिए देखिए बच्चों ये वाला जो राजस्थान का हिस्सा दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें छोटे से हिस्से में से होकर के ये टच करती हुई निकलती है। आप लोग मैप को दिमाग में थोड़ा सा बिठाइएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जहां से होकर निकल रही है ना, आप लोगों से पेपर में सवाल क्या पूछा जाएगा, देखिए दो बातें होती हैं, एक सवाल तो ये बनता है कि इक्वेटर पर सॉरी इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर निम्न में से कौन सा राज्य है, ये सवाल पूछ लिया जाता है, कॉमन सी बात है, अच्छी बात है। दूसरा सवाल बनता है निम्न में से कौन से राज्य, अब जैसे आप कभी स्टेट का एग्जाम दोगे ना तो आपके स्टेट के एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से राज्य का कौन सा जिला आपके इस वाली कर्क रेखा पर पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, आप अपने अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को भी याद कर लें आज ही, और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप अपने अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जहां जहां से होकर निकलती है अपने जिलों को याद कर लेना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होती है। अच्छा साहब अब मैं आपसे केवल इतना सा निवेदन कर रहा हूं, ये जहां पर पास होती होगी वहां पर किसी प्रकार का गड्ढा गड्ढा या फिर कोई लाइन दिखाई देती होगी, यस और नो, मतलब वहां से लाइन जाती हुई दिखाई देती होगी, यस और नो, या तो गड्ढा या फिर लाइन दिखाई देती होगी। इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसको केवल माना गया है कि यहां से निकलती है, ये थोड़ी है कि कल को फोन जाकर कर रहे हो गुरुजी मेरा एक सेल्फी हो जाए, बोले किस बात की, देखो मैं इक्वेटर पे चढ़ा हुआ हूं, टॉपिक ऑफ कैंसर पर चढ़ा हुआ हूं साहब, देखो मेरी सेल्फी ले लो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये केवल इमेजिनेशन है, यहां से होकर कुछ गुजर रहा है, डन हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया, तो कुल मिला के 8 राज्य याद कर लीजिएगा। The reason to the south of tropic of cancer experienced tropical climate, where the reason of north to the tropic of cancer experienced temperate climate. अब भैया ये हो गई थोड़ी भारी अंग्रेजी, अब थोड़ा सा इसको हिंदी में कर लेते हैं, क्या कहानी है ध्यान से सुनिए। देखो बेटा कटिबंध जो शब्द है ना, कटिबंध का मतलब क्या होता है, क्षेत्र जो होते हैं इन्हें हम कटिबंध कहते हैं, ठीक है बेटा, है ना, क्षेत्र जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, कटिबंध मतलब हिंदी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी जान लो भारत के रहने वाले हो, तो भैया कटिबंध किसे कहते हैं हम, जो क्षेत्र वाले क्षेत्र होते हैं। अब इसमें हम कहते हैं कि इस लाइन से यानी कि 23.5 डिग्री वाली ये जो लाइन गुजरी हुई है, इससे नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा मतलब बोले तो बोले नीचे मतलब साउथ वाला जो हिस्सा है, ठीक है बेटा, अच्छा ऊपर की तरफ कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्सा है। अब भाई आज आज की क्लास पढ़ी हो तो बता दो ये वाला नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ है या फिर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, जल्दी से बताइए, जिस नॉर्थ की हम बात करते हैं, ए मैग्नेटिक नॉर्थ के लिए, बी ज्योग्राफिकल नॉर्थ के लिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए, कमेंट के अंदर मत करना, यहां पर पूछ रहा हूं, मॉर्निंग की क्लास में समझाया है, जल्दी बताइए ये मैग्नेटिक नॉर्थ है ऊपर की तरफ की ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। 14 और 2 16% लोग सुबह की क्लास में अनुपस्थित थे, यहां से हमें पता चलता है, उन्हें अपने अंगूठे दिखा दो, 16% लोग जो है वो सुबह की क्लास में एब्सेंट थे, कंफर्म हो गया ना, और लोग कह रहे हैं सर गलती से दबा दिया, चलो मान लेते हैं भाई गलती कर दी होगी आप लोगों ने, चलो भाई थोड़ा कम कर लो भाई, थोड़े कम को दिखाना होगा, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या हुआ है, ऊपर की तरफ जो है बेटा वो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है, हमने मैप पढ़ने के हिसाब से बात बनाई है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, हाँ देख लो रितिका तो उसमें पकड़ी भी गई, रितिका ने पूछ लिया क्लास में टाइम बता दो सर सुबह कितने बजे क्लास होती है, करो भाई विज्ञापन करो अपनी क्लास का कितने बजे होती है, हाँ रोहित कर दियो तो बस बहुत है, समझ करिएगा, हाँ भाई सुनो ध्यान से, अब क्या है इस वाले क्षेत्र से 23.5 का मतलब क्या हुआ, धरती जो है ना वो अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है, सूर्य यहाँ पर है तो 23.5 डिग्री पर सूर्य की रोशनी अधिकतम पहुंच पाती है, बस इतना ही कंसेप्ट है, सूर्य की रोशनी जहां तक पहुंच रही है वहीं तक गर्मी को अधिकतम एक्सपीरियंस किया जाता है, ऐसी स्थिति में 23.5 डिग्री 0 से लेकर 23.5 डिग्री और नीचे से 0 से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र में सूर्य पूरे टाइम कहीं ना कहीं रहता है, इसलिए यहाँ गर्मी रहती है, गर्मी के कारण इसे हम उष्ण यानी गर्म कटिबंध कहते हैं, क्या कहते हैं,
उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई? थम्स अप कर दीजिएगा। तो भारत में यहां तक सूर्य पहुंचता है, अतः हमारे जो नीचे वाले, अब देखना एक कितना परफेक्ट लाइनिंग है, मतलब देख करके किसी ने ये सोचा होगा कि भारत को इतना प्यार से कैसे प्लान किया जाए। देखो कितना प्यारा भारत है। अब इधर देखो बेटा, भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया मतलब क्या हुआ बेटा, वो इंडिया जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। देखो पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। अरब सागर से घिरा है नीचे, मतलब साइड में इस तरफ, वेस्ट की तरफ से, नीचे की तरफ इंडियन ओशियन की तरफ से, और ईस्ट की तरफ से बे ऑफ बंगाल। मेरे प्यारे साथियों, पेनिनसुलर इंडिया जो है वो पूरा की पूरा ट्रॉपिकल रीजन में चला गया। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब पेनिनसुलर इंडिया जो है वो किसमें चला गया? ट्रॉपिकल इंडिया में चला गया। डन हो गया। चलिए अब अगर आगे बढ़ते हैं सर, दूसरी क्या हुई? इससे ऊपर की तरफ बोले तो यहां से ऊपर, यानी ट्रॉपिक से ऊपर की तरफ अगर आप चलते हैं, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, ये नॉर्थ के अंदर जो ऊपर की तरफ चलने पर हिस्सा बनता है, ये टेम्परेट रीजन का है। कौन से रीजन का है? टेम्परेट रीजन का है। आप बोले टेम्परेट रीजन का मतलब क्या है? बोले टेम्परेट का मतलब समझो समशीतोष्ण। बोले हाँ, बहुत बढ़िया हिंदी है। अब कारण बताओ है क्या ये? भैया इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट पाई जाती है क्योंकि सूर्य यहाँ पर नहीं है। बोले कितनी गिरावट पाई जाती है और कितना ठंडा पाया जाता है? मैंने कहा इतना ठंडा पाया जाता है कि आप रह पाओगे, इससे ऊपर निकल लोगे 66.5 से ऊपर तो फ्रिजर जोन में चले जाओगे, वहां पर जो है जम जाओगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो पूरा क्षेत्र है रहने के लिए बेहतरीन क्षेत्र कहा गया है, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़े। तो ये हो गया आप लोगों का, मेरे प्यारे साथियों, टेम्परेट रीजन। तो हमने क्या कहा? हाँ, दिल्ली इतना गर्म क्यों होता है? दिल्ली इतना गर्म क्यों होता है? हम अपनी भाषा में जाओ दिक्कत हो जाएगी, बताएंगे अभी कारण सही समझाएंगे। यूपीएससी में एक सवाल पूछा हुआ है वर्ष 2017 में है, मेंस के अंदर, यूपीएससी के अंदर सवाल है कि व्हाई दिल्ली इज ए हीट आइलैंड। हीट आइलैंड जो है ये पूछा गया है ना, ये नया शब्द कॉइन किया था यूपीएससी ने, हीट आइलैंड। उसके लिए बहुत सारे रीजन है, बताएंगे। एनीवे कई लोग समझ के हंस भी रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देंगे रीजन, थोड़ा सा आने में सभी फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हां भाई, दूसरी चीज होती है एल्टीट्यूड। तो पहला कारण हमने क्या सीख लिया? पहला कारण हमने सीख लिया उसका क्लाइमेट के अंदर प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 लैटिट्यूड हुआ, अब हुआ एल्टीट्यूड। हां भाई, मैंने आपको पहले दिन सिखाया था, क्या सिखाया था? कि भाई सब बात ऐसी है कि कोई भी हवाई जहाज उड़े तो उसके लिए तीन चीजें होती हैं, है ना। तीन तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? या तो उसे पता हो लैटिट्यूड, या पता हो लॉन्गिट्यूड, या पता हो एल्टीट्यूड। दोबारा समझिए क्या कह रहा हूं मैं, तीन चीजें दोबारा से समझिए। नंबर 1, या तो होता हो लॉन्गिट्यूड यानी कि मैप के ऊपर लंबाई की चीजें जानना, दूसरा होता हो आपका लैटिट्यूड, तीसरी चीज होती है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जमीन से ऊंचाई, यानी जमीन से कितनी ऊंचाई की बात आप कर रहे हो। तो जो हवाई जहाज होते हैं ना, वो जमीन से जितनी ऊंचाई पर चलते हैं उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो एल्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है ना। सेंट्रल एशिया से, यानी कि ये वाला जो पूरा की पूरा भारत, वो एशिया का हिस्सा है ना, यहां से ठंडी हवाएं चल के भारत ना आए उसको रोकता है। कौन रोकता है? हिमालय रोकता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट इंडिया हैज ए माइल्डर विंटर एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में हमारे यहां पर कम ठंड पड़ती है। अच्छी बात है सर। अब सवाल बनता है, सर एक बात बताओ, पीछे से हवा आती क्यों है? हमारा ज्योग्राफी में क्वेश्चन ये नहीं है सर कि ठंड को रोकता है, ये तो कोई भी कह देगा, लेकिन सवाल ये है सर, ये आती क्यों है हवाएं? हमारा तो बड़ा सवाल ये है सर। मैंने कहा हां बेटा, बड़ा सवाल क्यों है? अब इसका भी जवाब देखो, होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपना ये जो हिमालय है ना, इस हिमालय के पीछे ये जो जगह दिखती है ना, जहां का आप लहासा लहासा सुनते रहते हैं, तिब्बत, जहां पंचेन लामा पढ़ा हमने, जहां हमने क्या पढ़ा, दलाई लामा पढ़ा, असल में मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा की पूरा प्लेट्यू है, ठीक है, पथरीला प्लेट्यू है। असल में आपको कुछ समय बाद पता चलेगा कि भारत के मानसून में इस प्लेट्यू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, है ना। इसके अंदर क्या बोलते हैं, भारत का जो क्लाइमेट है इसमें प्लेट्यू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बोले कैसे सर? बोले सर बात ऐसी है कि ये जो प्लेट्यू है ना, ये पथरीला है, और पथरीला होने के कारण चूंकि ये टेम्परेट रीजन में पड़ रहा है, टेम्परेट रीजन में पड़ रहा है तो ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है। कभी आप लोगों ने सर्दियों के समय किसी पत्थर से, और कभी मार्बल आप अपने घर में जो होता है ना, जो आप पहन के घूमते हैं, उसे कभी सर्दियों में फील करिएगा, तो तुलनात्मक रूप से आपको बहुत ठंडा मिलेगा। पत्थर जो है वो मिट्टी से भी जल्दी ठंडा होता है ना, एकदम ठंडा मिलता है। असल में ठंडा मिलने का मतलब क्या हुआ? ठंडी जो जगह होती है वहां हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर है उसके कंपैरिजन में सैंड, और सैंड के कंपैरिजन में पानी, ये लो प्रेशर वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में हवाएं चल के तिब्बत से किधर आ सकती हैं? भारत की तरफ आ सकती हैं, लेकिन नहीं आती हैं। एक्जेक्टली थोड़ा और ऊपर निकल लो, ऊपर की तरफ है इंडिया के ऊपर पामीर रोड, पामीर रोड के ऊपर गोभी का पठार, गोभी का मरुस्थल, ये पूरा स्थान ऐसा है जहां पर की ठंडक है, क्योंकि टेम्परेट रीजन है, ठंडक है। इसका मतलब क्या है? हाई प्रेशर है। इंडिया तुलनात्मक रूप से गर्म है, अतः हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लोकल विंड्स चल सकती है। दोबारा सुनिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कैसी हवाएं चल सकती है? लोकल विंड्स चल सकती है, जिनकी वजह से हम कहते हैं शीतलहर का चलना। शीतलहर चलना ये वो परमानेंट विंड्स नहीं है, वेस्टर्नलीज या फिर इनका नाम ट्रेड विंड नहीं है, ये वो लोकल हवाएं हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर चलती हैं। जैसे इन दिनों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें चल रही है लू, ऐसे ही लोकल विंड्स हैं साथियों जो आपके ऊपर से चल के आती हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, मैं आपको चलिए एक लोकल विंड और प्यारी सी पढ़ाता हूं, यही पर एक कांसेप्ट सीखेंगे हम, जिससे भी आपको क्लाइमेट समझने में बड़ा मजा आएगा। चलो एक ही सीखते हैं। प्यारे साथियों, आपको पता है जो देहरादून है ना, देहरादून, कभी अगर आप गए हो तो देहरादून असल में वैली के अंदर स्थित है। दून का मतलब ही होता है वैली में स्थित स्थान होना। भाई समझना, आपको जानते हो कि नहीं जानते इस चीज को, दून का मतलब होता है अभी रुचि बिस्ट। अच्छा, बिस्ट को मिलते भी यहाँ की तरफ पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है बेटा। अभी तो ये हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दून का मतलब ही एक क्षेत्र जो कि दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। देहरादून कहाँ की राजधानी बताइए? हिमाचल की, उत्तराखंड की? चलिए एक मिनट रुकिए, A4 उत्तराखंड और B4 हिमाचल, जल्दी से बताइए ये कहाँ की राजधानी है? फटाफट से जितना जल्दी आंसर देंगे शाबाश मिलेगी। जल्दी दो, कहाँ की राजधानी है ये?
बहुत बढ़िया, 12% लोग तो अपनी क्लास में वो था ना कि गुरुजी आपका घर चलाना है, बोले अच्छा चलिए थोड़ी चैरिटी कराते हैं, थोड़ा फीस दे आते हैं आपको, तो आप भी ऐसा करिए, ठीक है ना। ये वो लोग हैं जो कि केवल इसलिए पैसा दिए हैं क्योंकि गुरुजी चलिए थोड़ा सा भाई, मतलब आप शिक्षक आदमी हो, थोड़ा सा शिक्षक धर्म बनता है हमारा, थोड़ा सा रोजी रोटी चला देते हैं आपकी। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपका कंट्रीब्यूशन हमारे याद रहेगा। मेरे प्यारे साथी उत्तराखंड देहरादून और दूसरी राजधानी है यहाँ की, गैरसैंण, ये पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छी बात है, चलिए नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप होता क्या है अब यहाँ से समझना, ताकि आपको लोकल विंड का मतलब समझ में आएगा। दून का मतलब ये शिवालिक वाले क्षेत्र में कहा जाता है बेटा, जो मतलब पहाड़ियां हैं उनके बीच के क्षेत्र को, वादियों को, वैलियों को दून कहा जाता है। अब क्या होता है, इधर देखो यहाँ क्या है बेटा, असल में रात और गर्मी का कितना फर्क पड़ता है, ध्यान से समझना। इधर देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना सूर्य, ये वाला जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये पहाड़ है बेटा, सूर्य यहाँ पर टका हुआ है, सूर्य यहाँ पर भी धूप फेंक रहा है, यानी धूप फेंक रहा है, और यहाँ पर भी धूप फेंक रहा है, इन दोनों जगह धूप बढ़िया वाली फेंकी। अच्छा इधर भी तुलनात्मक रूप से जमीन पर भी धूप फेंक रहा है, ठीक है। मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ए पॉइंट और बी पॉइंट। चलो बताओ बेटा ये बात बताओ कि सूर्य की वजह से मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दिन में कौन सा पॉइंट ज्यादा गर्म होगा, फिर से जल्दी से आंसर बताइए, इनमें से दिन में कौन सा पोर्शन ज्यादा गर्म होगा बताएं। बहुत बढ़िया है ना, फिर भी कुछ लोगों ने जो है वो बी आंसर दिया, हो सकता है उनके अपने रीजंस हो, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या है इधर की तरफ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो स्थिति है ना, कौन सी वाली, ए वाली स्थिति, असल में सूर्य के निकट होने के कारण ये गर्म हो गई है। अच्छी बात है, गर्म हो गई है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पाया जाता है, गर्म जो जगह होती है वहां पर कौन सा प्रेशर पाया जाता है, जल्दी से बता दो, लो प्रेशर पाया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा क्योंकि ये सूर्य के ज्यादा निकट आ रही है। अच्छा जो तुलनात्मक रूप से कम गर्म है वहां कैसा पाया जाएगा, हाई प्रेशर पाया जाएगा। देखो अब ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां लो प्रेशर होगा, जहां टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से कम होगा वहां पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये भी हमको पता है कि जिस प्रकार से, हाँ भाई जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अपन घर में परफ्यूम छिड़कते हैं तो परफ्यूम एक कोने में छिड़कते हैं, खुशबू सारी तरफ जाती है, मतलब क्या होता है, क्योंकि प्रेशर के पोटेंशियल में, प्रेशर के ग्रेडियंट में हवाएं चलती हैं, ऐसे ही ये तो परफ्यूम की हवाएं हुई। आप ऐसे कुछ मित्र लोग क्लास में गर्म हवाएं छोड़ते होंगे, उनकी खबर भी दूर दूर तक पहुंच जाती होगी। कहने का मतलब है प्रेशर ग्रेडियंट है जी, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो हवाएं हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इस हाई से लो प्रेशर की तरफ ये इस प्रकार से गति करती है, ठीक है। तो ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के साथ में इस जगह पर ये दिन में हवाएं जो है नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। चलिए सर ये वाली बात हो गई मेरे प्यारे साथियों, देखिए दिन भर में ये हवाएं चल रही है, इस हवा को जो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है इसे कौन सी हवा कहते हैं, एनाबैटिक हवा कहते हैं, एनाबैटिक हवा कहते हैं। ठीक है दूसरी तरफ चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। अब आने दो गर्मी, गर्मी आई तो सर मतलब रात ठंडक हो गई, रात को ठंडक हो गई तो क्या हुआ, ऊंचाई जो है वो तुलनात्मक रूप से जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि एक तो सब जगह ठहरी ऊपर से पथरीली, और दूसरी जो है वो ठहरी थोड़ा सा ऊंचाई पर, हमने कहा है ऊंचाई पर वैसे भी चलते हैं टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने से मेरे प्यारे साथियों ये जगह जो है रात्रि में फिर से एक स्थिति बनी, फिर से जो स्थिति बनी इस स्थिति में अब क्या हुआ, इस स्थिति में यहाँ पर ठंड हो गई, जब ठंड हो गई तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, और रात्रि के समय क्योंकि वैली जो है नीचे की तरफ जो वैली है ये वैली अब क्योंकि ये ऊंचाई पर नहीं है वैली तो तुलनात्मक रूप से गर्म है, गर्म है तो यहाँ पर क्या है लो प्रेशर है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रात को हवाएं चलती हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, समुद्र में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पड़ी थी ना, ऐसे ही बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, पर इस हवा को नाम दिया जाता है कैटाबैटिक हवा। कौन सी हवा है, कैटाबैटिक। इसको मैंने इस तरह से याद करने का तरीका बना रखा है कि बिल्लियां जो है वो रात को आती है, तो बिल्लियां रात को आती है तो कैट रात को आती है, बस ये याद कर लेना है ना, तो बिल्लियां ऊपर से उतर के नीचे आ रही है, दैट इज कैटाबैटिक हवा। अब भाई साहब दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत क्या हो गई कि यहाँ पर जो फसलें उगाई ना आपने, ये वाली जो जगह जो चढ़ाई वाली जगह थी, इस जगह जो भी फसलें उगाई थी ये फसलें उगी नहीं पाई, इस जगह पर जो आपने फसलें उगाई थी वो तो उगी नहीं पाई। क्यों नहीं उग पाई, क्योंकि दिन में तो ऊपर से नीचे हवा चल रही है, रात पर दिन में तो क्या नीचे से ऊपर हवा जा रही है, रात को ऊपर नीचे हो गई, तो बोले ये तो रेलवे का ट्रैक हो गया, ऊपर नीचे पूरे टाइम, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो हवाएं चलती है वो यहाँ पर किसी अच्छी फसल को जो कि विंड रही फसल को उसे पनपने नहीं देती है, ठीक है ना। तो उसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लोकल विंड्स है। अब आप पूछेंगे सर ये उसकी तरह तो है नहीं, ट्रेड विंड है क्या सर ये, नहीं भाई ये लोकल विंड्स है। तो आप समझ में आ गया हिमालय की कहानी क्या है, अरे प्रॉब्लम की कौन बात कर रहा है, बात तो इसकी हो रही है कि हवा होती है वो लोकल भी होती है, बात किसकी हो रही है, बात प्रॉब्लम की थोड़ी हो रही है, प्रॉब्लम है कि नहीं ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि तिब्बत के पठार से हिमालय ने हमारी रक्षा कैसे करी, तो हमने बता दिया कि लोकल विंड से हमको रोक रहा है। अब भाई साहब फिर से कुछ विद्यार्थी बफर बफर लिख रहे हैं, इन बफर वालों ने लाइफ में बफर किया हुआ है, फिर से एक बार पोल करा के पूछ ले रहा हूं कि आपको मेरी बात सही से सुनाई दे रही है। भारत में सभी जाओ, देखिए भाई बात ऐसी है कि अपनी इस क्लास में ना बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं नंबर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बहुत सारे विद्यार्थियों की अपनी समस्याएं हो सकती है, इंटरनेट की समस्या हो सकती है, क्योंकि हम सुबह से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाती है, भाई हिंदी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ हवाई द्वारा मध्य क्षेत्र भीषण ठंड से बचाता है, भौतिक बाधा के रूप में कार्य करता, बारिश के लिए भौतिक बाधा के रूप में कार्य करता है। हिंदी में क्या गलत लिखा हुआ है, हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन, मुझे देखिए लेकिन आपको कम एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया माइल मतलब कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आपको समझ आएगा, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा आपको, मैंने पहले कहा था कि आपको ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन पर विश्वास नहीं करना है, आपको दोनों मिल जाएगा। आगे बढ़िए, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, अभी तो हम कारक ढूंढ रहे हैं, कल तो हमने एक ही कारक में पूरा मानसून पढ़ लिया था, भाई धरती गर्म है, जम्मू समुद्र से पानी उठा और शिकार से चला आया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं सर, भूमि और जल क्षेत्र का वितरण इसमें क्या है, इंडिया इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन ऑन थ्री साइड, पता है ऑलरेडी पता है ना, इंडिया का यही वाला हिस्सा तो पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है, ऑलरेडी पता है, इन द साउथ एंड माउंटेन इन द नॉर्थ, बिल्कुल ठीक है सर, ये वाली नॉर्थ साइड माउंटेन क्यों हुई, ठीक है। डिफरेंस हीटिंग ऑफ लैंड, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट डिफरेंट एयर प्रेशर जोन, कल समझा चुका हूं भाई, समय इसका कहने का मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि समुद्र की तुलना में जल्दी जमीन गर्म होती है, अरे कल समझाया था कि समझाया था, बताओ एक बार, तो ये वाली बात मैं कल आपको समझा चुका हूं। द एरिया नियर टू द सी एक्सपीरियंस मैरीटाइम क्लाइमेट, बिल्कुल समुद्र की तरह से ये बात हम सिखा चुके हैं, वेयर एज द एरिया अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, मतलब यहां पर जो अपन ने बात की थी ना कल,
बारिश आएगी, मुंबई में बारिश आएगी, कोची में बारिश आएगी, क्यों वो तो कॉमन वाला फैक्टर है जो कि सुबह शाम वाली कहानी है, ठीक है ना। बाकी जो क्षेत्र है वहां पर प्रायद्वीप के भारत है, वहां का क्लाइमेट आपसे डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। रिलीफ द विंड वर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट एंड आसाम रिसीव हाई रेनफॉल। अब भाई साहब इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये क्या चीज है सर? मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, आप लोगों को ना ये चीज बड़ा आश्चर्य करेगी जो पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझो देखो, ये इंडिया का मैप है ना। अपन ने क्या समझ लिया कि यहां से साउथ वेस्ट से हवाएं चल के आती हैं, और वो साउथ वेस्ट से आने वाली हवाएं किसका नियम फॉलो करती हैं? आप लोगों के कोरियोलिस बल के हिसाब से यूं चल के आती हैं। कल एक विद्यार्थी पूछ रहा था कि सर सबसे पहले हवाएं कहां टच करेंगी, हमने कहा जो सबसे नीचे होगा। तो सबसे नीचे कौन सा तट है? केरल का मालाबार तट है। तो मेरे प्यारे बच्चों मालाबार तट पर सबसे पहले हवाएं टच करी और यहां पर बारिश सबसे ज्यादा हो गई। इसी प्रकार से ये हवाएं चलती गई चलती गई चलती गई, इस प्रकार से ये हवाएं जहां जहां तक चलती गई आप लोगों को वहां वहां पर बारिश होती गई। अभी चीज देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अभी प्रतीक्षा कह रही है कि रेलवे की स्पेशल क्लास मत छोड़ो प्लीज प्लीज। हां मैं कराऊंगा प्रतीक्षा, कल एक काम करते हैं अपन ना, कल मैं आप लोगों की रेलवे की क्लास शाम को कर देता हूं ना। कल मैं आपकी रेलवे की क्लास लेता हूं। मैंने अनाउंस भी किया कि ये वाला जो क्षेत्र है ना बेटा, यहां पर है प्रॉपर तरीके से वेस्टर्न घाट, है ना। ये रहा वेस्टर्न घाट। अब देखो ये क्या होता है असल में ना, मैं आपको बहुत सिंपल सा कांसेप्ट सिखाता हूं। क्या कांसेप्ट है देखो बेटा, यदि ये पर्वत है, मान लो कोई एक पर्वत का उदाहरण लिया हमने, है ना, और इधर की तरफ ठंडी हवा चल के आ रही है, क्यों करके ये ठंडी हवा चलती आ रही है चलती आ रही है चलती आ रही है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो हवा का सिंपल सा सिद्धांत है, जहां उसको टक्कर मिलती है ना वहां से वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। देखो ये ऊपर उठना शुरू हो गई, ये ऊपर उठ रही हवा यहां से टकराई, टकरा करके ऊपर उठ गई। ऊपर उठते ही क्या हुआ इसके साथ, दो चीजें हैं सर। क्या क्या चीजें हुई? पहली चीज तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब क्षोभ मंडल में हम ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, देखो हमारा वायुमंडल है तो स्ट्रेटोस्फीयर, ये क्या बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर है ना। तो मेरे प्यारे साथियों जब ऊंचाई पर बढ़ते हैं, जल्दी से बता दो ऊंचाई पर बढ़ने पर ठंड बढ़ती है कि गर्मी बढ़ती है? हां भाई ऑप्शन ए ठंड बढ़ती है, ऑप्शन बी गर्मी बढ़ती है। जल्दी से आंसर कर दो भाई, ऊंचाई पर ट्रोपोस्फीयर में हम चलते हैं तो क्या होता है? जल्दी बताओ आप उससे क्या रिलेट करके पढ़ पाओगे? ऊंचाई पर चढ़ते हो तो क्या होता है? 84% बच्चों को पता है, हमने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। हम जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना बच्चों तो सर्दी बढ़ती है, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब बेटा जब सर्दी बढ़ने लगी ऊंचाई पर चल के, तो असल में इस सर्दी के कारण जो है वो एयर में जो नमी थी ना, अब वो कंडेंस होने लगी। कैसे होने लगी? कंडेंस होने लगी, वो संघनित होने लगी। संघनित कैसे होने लगी? अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको, बिल्कुल ये महेंद्र, इनके लिए महेंद्र चाकर शाबाश बेटा। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, शाबाश भैया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखो, देखो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अच्छा आपने कभी देखा है, अपन लोग भी है ना कई बार खुद के घर पर प्रैक्टिकल करना, आप लोग अपने घर में कई बार जब पानी उबाल रहे होते हो तो पानी को उबाला, ये भापन के ऊपर गया है ना बेटा, भापन के ऊपर गया। अब यहां पर ना कोई प्लेट लगा दो, कोई भी प्लेट, ढक्कन का ढक्कन लगा दो बेटा इस पे, है ना, प्लेट लगा दी तो ये जो भाप बन के ऊपर आई है ना, ये इस प्लेट के ऊपर की तरफ भाप जो है वो एकत्रित हो जाती है ना, और एकत्रित होने के कारण बेटा यहाँ पर इसका कंडेंसेशन हो जाता है और क्या बन जाती है? बूंद बन जाती है, और वो बूंद जो है ना वो टप टप नीचे गिरने लगती है। बोलो थम्स अप करो, बात समझ में आ रही हो तो, ठीक है। अब देखो प्रकृति में तो कोई प्लेट है नहीं, प्लेट नहीं है तो ये जो हवा उठ रही है ना, ये 165 मीटर, बच्चे कितने अपडेटेड है, 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता जा रहा है। अब वेस्टर्न घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट की औसत ऊंचाई बता दो भाई कितनी है, वेस्टर्न घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? मैंने आपको कल परसों पढ़ाया है वेस्टर्न घाट की औसत ऊंचाई, मैंने क्लास में पढ़ाया, मैंने बताया बिल्कुल 600 मीटर मैंने पढ़ाई है ना, कि एवरेज हाइट है, जबकि कुछ चोटियां जो कि, अच्छा एक बात और बता दो, चलो एक सवाल और पूछ रहा हूं, वेस्टर्न घाट नॉर्थ से साउथ जाने पर ऊंचा होता है या फिर साउथ से नॉर्थ जाने पर ऊंचा होता है? सवाल सुनिएगा, हाइट इसकी कैसे बढ़ती जा रही है, ए और बी, इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही है। यहां से बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है, वेस्टर्न घाट की ऊंचाई कब बढ़ रही है, जल्दी बताइए। अब कई लोग तो कंफ्यूज थे, बी वाले जिन्होंने टिक लगाया है ना उनको तो पता ही नहीं था, उनका तो टप्पा था कि हाँ ठीक है पानी समुद्र में जा रहे हैं तो डूबने जा रहे होंगे तो छोटे होंगे, इसमें क्या है? मेरे प्यारे बच्चों नॉर्थ टू साउथ जब आप चलते हैं ना तो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है ना, तो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई बढ़ती चली गई, दैट मींस क्या है, यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है ना ये तुलनात्मक रूप से और ज्यादा ऊंचा है। याद करिए वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री तीन भागों में बटी हुई है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री, तीन सह्याद्री है ना बेटा। अच्छा इसमें मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो क्षेत्र है ना ये तुलनात्मक रूप से ऊंचा है। अब देखो ये जो हवा गई, ये हवा यहाँ पर टकराई, टकरा करके हवा ऊपर चढ़ने लगी, क्योंकि हवा को तो चलना है, हवा का काम चलना है, चलने लगी। 165 मीटर के हिसाब से अगर आप लगाओ तो ऑन एन एवरेज वेस्टर्न सह्याद्री जो है ना, दक्षिण सह्याद्री 1500 मीटर की ऊंचाई तक चली जाती है। ऐसी स्थाई में ये चलती चली गई, हवा ऊपर उठती चली गई, हवा ऊपर चलती गई तो क्या हो गया, कंडेंस हो गई। जब हवा कंडेंस हो गई तो मेरे प्यारे साथियों ये हवा ऊपर जाकर के बादल बन के बरस गई। मतलब क्या हुआ कि मेरे प्यारे साथियों यहां से यहां तक का जो सफर हो रहा है ना, ये हवा को बारिश के रूप में बरसा रहा है। यही कारण है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ जाए कि यही कारण है कि जो वेस्टर्न घाट है ना, उस वेस्टर्न घाट में साउथ की तरफ बोले तो मालाबार तट की तरफ जबरदस्त तरीके से 200 सेंटीमीटर तक बारिश चली जाती है। हम सब करो अगर बात समझ में आई हो तो, केरला में उच्च बारिश का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि वहां पर जो साउथ वेस्ट मानसून आया वो इस पर्वत पर टकराया, टकरा करके मेरे प्यारे साथियों ये हो गया, और यही कारण है कि केरला के तट पर जो वनस्पति पाई जाती है वो एवरग्रीन प्रकार की होती है। एवरग्रीन बोले तो मतलब हो गया सदाबहारी, क्योंकि जब पानी ही इतना मिल रहा है तो वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति कैसी हो जाएगी, एवरग्रीन प्रकार की हो जाएगी। अरे बोलो भाई समझ में आ रही बात। अच्छा अब मैं आपको एक जबरदस्त बात और बताता हूं भाई साहब, ये जो वेस्टर्न घाट है ना इसके पीछे फंसा हुआ है तमिलनाडु। भाई साहब ये भी खुश थे किस बात से कि हम दक्षिण भारत में हैं, यहां पर है तमिलनाडु। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु इसी इंतजार में था कि बारिश हम तक भी आएगी, चली तो है देखो आई है तो हमें भी मिलेगी, लेकिन दिक्कत
हो गई क्या? वैश्चर घाट के पीछे फंसा हुआ जो तमिलनाडु है मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ दिक्कत ये हो गई कि हवा यहां पर ही चढ़ करके यहीं बरस गई, इसके पीछे की तरफ नहीं गई, इसके पीछे की तरफ नहीं गई। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? इसका मतलब ये हुआ कि तमिलनाडु में बारिश नहीं गई। बारिश को वृष्टि कहते हैं हिंदी में, हिंदी में वृष्टि कहते हैं, तो वृष्टि का छाया क्षेत्र कहलाया। इंग्लिश में कहते हैं रेन शेडो जोन, शेडो जोन मतलब यहां पर बारिश नहीं हुई। अरे कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है ना? यही कारण मेरा प्यार सारे पूरे साथियों, ये वाला जो पूरा भारत का जो क्षेत्र है ना, यहां से यहां वाला, इसमें जितना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है, इन सब क्षेत्रों में जाकर के हवा टकराई, टकरा तो गई, टकरा करके ये इसी तरफ बरस गई। जब ये इसी तरफ बरस गई तो भाई साहब, भारत के पीछे वाला जो पूरा क्षेत्र है वो रेन शेडो क्षेत्र हो गया। और ये पूरा रेन शेडो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ना मेरे प्यारे साथियों, देखो यही कारण है कि वेस्टर्न घाट पे तो जबरदस्त बारिश हो गई। इसी कारण से इसको इको सेंसिटिव जोन में बनाने की बात कर ली हमने। यहां पर मतलब हॉटस्पॉट बन गए, 1500 प्रकार की एंडेमिक मतलब जातियां वनस्पतियां यहां पर मिल गई। लेकिन दिक्कत क्या हुआ? पीछे की तरफ पड़ गया सूखा। यही कारण है कि तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र का विदर्भ वाला रीजन हो, यहाँ सूखा पड़ता है। अरे बोलो भाई, क्या पड़ता है यहाँ पे? सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, ठीक है ना? ये किसके कारण हुआ? वेस्टर्न घाट के कारण हुआ। मतलब साउथ वेस्ट मानसून आया तो था, लेकिन यहाँ क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। अब देखो मेरे पास इंडिया का अगर फिजिकल मैप हो तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं आपको। रुको हाँ भाई, ये है आपके सामने, एक मिनट रुको, और भी कोई ढंग का मैप हो तो उससे आपको और मजा आएगा, इसमें कि विंध्या और सतपुड़ा आपको दिख जाए। विंध्याचल और सतपुड़ा दिखा देता तो मजा ही आ जाता। देखो ये थोड़ा सा दिख रहा है, एक सेकंड होल्ड करो, मैं आपके लिए बढ़िया समय बना दे देता हूँ, है ना? एक सेकंड, है ना? क्या लगे, मैं लगा वो बात समझाई दूंगा ताकि फिर दिक्कत नहीं आएगी बाद में, फिर समझाना नहीं पड़ेगा, पता चलेगा। अरे हम तो हैंग हुए पड़े हैं। हाँ भैया, सुनाई दे रहे हैं कि नहीं सुनाई दे रहे? हम सब कर देना, पता चले हम हैंग हुए डले हैं, हम सब कर देना भैया। चलिए हाँ, अभी दिखाता हूँ, ये हुआ। अब क्या है, हमारा जो है ना लैपटॉप भी बहुत थक गया है। गुरु जी आप इतने सारे काम हमारे ऊपर धमाकाल धमाल करते रहते हो, हैंग मार देता है ये। चलो एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, आवाज कट रही है, लीजिए एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। काम हो गया उनका एक ही बार में। इधर देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये था वेस्टर्न घाट, कौन सा वाला? ये वाला है ना। इस वेस्टर्न घाट पे तो भैया बदल बरस गया आपका साउथ वेस्ट मानसून। अरे बोल दो, हम सब कर दो बराबर, डन है ना? अब वेस्टर्न घाट पे तो क्या मतलब बरस गया आपका मानसून, बरस गया मतलब साउथ वेस्ट मानसून बरस गया। अब देखो जैसे ही आप थोड़ा और ऊपर चलने लगे इस क्षेत्र में, चलो भैया यहाँ पे गुजरात था, यहाँ एमपी था, ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था ना, महाराष्ट्र के बगल में से होकर के ये रहा विंध्या और सतपुड़ा, रावी और ताप्ती, ये दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। और देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ जैसे ही वेस्टर्न घाट टूटा हुआ मिला, अरे कुछ दिख रहा है तो थम्स अप करना भाई, मुझे नहीं पता है कि आपको दिख रहा है कि नहीं। जैसे ही इनको जगह मिली ना भाई साहब, ये मानसून यहीं से एंट्री कर गया। अब देखो ध्यान से, और ये यहीं से मानसून एंट्री किया, और ये नर्मदा और इनके बीच में से होता हुआ यौ निकलता हुआ विंध्या और सतपुड़ा के बीच से होता गया, होता गया, होता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और ये आ गया छोटा नागपुर का पठार। और भैया यहां पहुंच करके पहुंचा और आपके बिहार में मानसून आ गया। अरे भैया बिहार वालों बधाई हो, मानसून आ गया है, बिहार और झारखंड में आप लोगों के बारिश हो गई। ये पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहां पर पहुंचते ही ये बरस गया। बात समझ में आ गई ना? मतलब देखो कितना सटीक चीज है ये, ठीक है ना? ये है हमारे यहाँ पर ऊंचाइयों का फर्क, ठीक है बेटा। चलिए अब इधर देखो एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको। फिर आप पूछेंगे सर इधर से नहीं चढ़ा था क्या? मैंने कहा बिल्कुल चढ़ा था। अब देखो इस मैप को थोड़ा सा और दिखाते हैं, इस मैप को इधर देखो, ये वाला जो है ना बेटा, ये इधर की तरफ से चलना शुरू हुआ, चलता गया, चलता गया। अब भाई चलने को तो यहां से भी जा रहा था, ये हमारा राजस्थान आया, राजस्थान आया तो अब देखो इसकी गति ये है। अब यहीं पर गति में पड़ गया हमारा अरावली। भाई साहब अरावली तो हमारे लिए जैसे बना ही इसलिए था कि हम मानसून को दिक्कत नहीं देंगे रास्ते में, हम मानसून को दिक्कत ही नहीं देंगे साहब किसी भी तरीके से। मानसून आया है, हम साथ चलेंगे उसके, हम उसके रास्ते में नहीं खड़े होंगे। हम कोई वेस्टर्न घाट है क्या जो बीच में खड़े हो जाए? जब है हम नहीं खड़े होंगे, हम तो भैया उसके पैरेलल चलेंगे। तो देखो साउथ वेस्ट से आया था, और भाई साहब अरावली की भी किस्मत देखो आप, ये प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साउथ वेस्ट से शुरू होकर के नॉर्थ ईस्ट तक ही अरावली का विस्तार है, मतलब इसका विस्तार भी इसी क्रम में है। बात समझ में आ गई, हम सब करो। तो जहां से मानसून चल रहा था उसी दिशा में ये हो गया, यानी इसी दिशा में ये पैरेलल पैरेलल ऊपर चलना शुरू हो गया। जब ऊपर पैरेलल चलता गया तो भाई साहब इसने कोई अवरोध ही क्रिएट नहीं किया, बारिश आने के अंदर तो आपको अरावली का अवरोध मिलना मैंडेटरी था। अरे अभी समझाया है, बारिश आने के लिए हवाओं का ऊपर उठना जरूरी है कि नहीं, तुम सब करो। और भाई साहब ऐसी स्थिति में हमारे अरावली महाशय जो है वो खड़े रहे कि नहीं भैया हम नहीं छुएंगे, बोले ठीक बात है जाने दो, ये बने रहे और निकल गए भाई साहब यहां से सीधा। ये तो हवाएं थी, ये तो जा रही थी, रोक सके तो रोक लो, हम तो चल रहे हैं, कोई रोका नहीं इनको। ये जब नहीं रोका तो ये चलते गए, चलते गए, चलते गए। इधर खड़े थे हिमालय, उनने कहा हम जाओगे बच के, हम तुम्हारे अमरीश पुरी हैं भैया। ये गए और यहाँ पर टकराए धमाल से, ये देखिए इनसे बच के जाने की इनके पास कोई जगह नहीं थी, यहाँ नहीं थी जगह, तो यहाँ टकराए। और भैया फिर गदर तरीके से आपके बादल फटने शुरू हो गए। ये पूरा हिमाचल उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, कश्मीर, कश्मीर में यही चीज जो है धीरे धीरे, हालांकि कश्मीर में बर्फबारी के लिए भी मतलब वेस्टर्न घाट जिम्मेदार होता है, लेकिन ये जब ऊंचाई पर बढ़ेगा तो बर्फबारी करेगा, और जब ऊंचाई पर बरसेगा तो बारिश करेगा। तो उत्तराखंड वगैरह पर ये जाकर के बरसात,
क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब सवाल पूछेंगे सर, बीच में कहीं बरसेगा कि नहीं बरसेगा, राजस्थान में मानसून आएगा कि नहीं आएगा सर, थोड़ा तो आप मतलब वो दो ना सर, राजस्थान में बारिश तो आती होगी ना सर कभी कभार, तो सर आप भी देखे होंगे ना, आप भी गाना गाए होंगे ना, टिप टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई। मैंने कहा हाँ यार वो तो है, तो बोले वो कब हुआ था? मैंने कहा वो तब हुआ था कि हम राजस्थानियों ने गर्मी बढ़ा दी थार मरुस्थल की वजह से, है ना। तो भाई साहब ये वाली जो चीज है ना, अब ऊपर से हवाएं जा रही थी, तो ऊपर से हवाएं जा रही थी, ऊपर से जाती हुई हवाओं को हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट दे दिया। क्या दे दिया? टेम्परेचर ग्रेडियंट दे दिया, इतने गर्म होकर बैठ गए कि अब तो बरसो बेटा, क्योंकि हमने नीचे आग लगा रखी, हम तुमको भून देंगे। तो ऐसी स्थिति में वो भून गई, और भूनने से हमारे टेम्परेचर ग्रेडियंट से जो है वो बारिश आ गई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये है हमारे यहाँ का कंसेप्ट साहब। तो फिलहाल के लिए हम आपको यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है सब लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी अब रिलीफ के साथ समझ में आ गई होगी कि रिलीफ जो है वो असल में पहाड़ का ढलान है और वो क्या दिक्कतें करता है। एक बार थम्सअप कर दो, और खुद ने जो समझ विकसित की है उसके लिए थोड़ी तालियां बजा लो, क्योंकि हमको तो क्रेडिट क्रेडिट दोगे नहीं, आप खुद के लिए कर लो, है कि नहीं? मजा आ गया। चलो ओ, फिर अगला सेशन कल शुरू करते हैं, उसके आगे और पढ़ाएंगे। थोड़ा सा डिटेल में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब क्लाइमेट ढंग से समझ लेते हैं ना जब हम, तो क्लाइमेट ढंग से समझने पर हमको फिर पेड़ पौधे समझाने में टाइम नहीं लगता। फिर हमको यह समझाना नहीं पड़ता कि यहाँ पर विकास कैसा हुआ, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा क्यों है, यहाँ कम क्यों है। क्लाइमेट इज अ मेजर रीजन जिसकी वजह से सारी चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है साहब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।